हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अरमिनी रानी लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर से आज एक नई रेसिपी। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि हम मोमोज बनाने वाले हैं, वेज मोमोज, तो ये उसी के लिए, उसी से सब रिलेटेड यहाँ पे मैंने सब इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ। आपने वेज मोमोज बहुत बार खाए होंगे, जी हाँ, बट इस बार इस यूनिक स्टाइल से आप जो मोमोज की रैपिंग हम करते हैं, जो हम डम्पलिंग्स का हम जो शेप देते हैं, वो बहुत सा यूनिक होने वाला है। तो आप एक बार सिर्फ इस तरीके से बनाइएगा। आई चैलेंज यू कि हर कोई आपके मोमोज का फैन हो जाएगा, ठीक है? तो आइए चले देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इस मोमोज को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोमोज की चटनी तैयार कर लेते हैं, उस तो फिर चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप की ओर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि चटनी बनाने के लिए मैंने एक तपेली रख दी है, उसी के साथ मैं इसमें एक टमाटर डाल दूंगी, जिसे कि आप देख ही सकते हो। मैंने टमाटर को अच्छे से चेक कर लिया है, उसे हाफ कट कर दिया है और मैं इसमें प्लेस कर दूंगी। उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 4 हमारे जो लाल मिर्ची होते हैं, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल तीखा नहीं है, अगर आप तीखा खाते हो तो आप तीखा वाला भी यूज़ कर सकते हो। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, तब तक हम हमारी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेज मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं गाजर, एकदम बारीक कटे हुए मैंने गाजर ले लिए हैं। उसी के साथ मैंने 2 से 3 मिर्ची ले ली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है। उसी के साथ मैंने थोड़ा कैप्सिकम ले लिया है। उसी के साथ मैंने थोड़ा सा मैंने लहसुन ले लिया है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। और उसी के साथ मैंने गाजर ले लिया है। आपको जो वेजीज ऐड करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा फ्रेंड्स, अपने स्वादानुसार आपको ऐड करना है सॉल्ट। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सोया सॉस, हमें एकदम हाफ टेबल स्पून जितना टेबल सॉस सोया सॉस डालना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत थोड़ा यूज़ किया है। उसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी वाइट विनेगर, बहुत थोड़ा डालना है फ्रेंड्स ये भी। अगर आप ये सब नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। देखो, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने बहुत थोड़ा यूज़ किया है वाइट विनेगर। और उसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा शेजवान चटनी, मैंने बहुत थोड़ा वो भी ले लिया है, इससे टेस्ट बहुत 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 अच्छा आएगा। इसी के साथ हम इसे सारा मिक्स कर देंगे, आपको अच्छे से ये मिक्स कर लेना है। उसकी खुशबू तो अभी इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चलेंगे गैस की ओर, वहीं जाके देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे टमाटर है वो भी अच्छे से पक चुके हैं, तो हम इसे साइड में कर देंगे और इसी के साथ जो हमारी जो मोमोज की फिलिंग है वो हम गैस पे रख देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जो हमारे जो फीलिंग है वो मैंने ऊपर रख दिया है। उसी के साथ मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, हमें बहुत थोड़ा ऑयल ऐड करना है, हमें इन्हें पकाना नहीं है, हमें इन्हें सिर्फ इनका जो थोड़ा कच्चापन है वो हम इन्हें सिर्फ अच्छे से सॉटे कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगी कि हमें सब्जी को पकाना नहीं है, हमें उन्हें सिर्फ सॉटे करना है ताकि उनका जो मॉइस्चर है या फिर उनका जो कच्चापन है वो निकल जाए, बस हमें इतना ही इन्हें सॉटे करना है। सो फ्रेंड्स, इस वेजिटेबल्स के साथ आप कांदा भी ऐड कर सकते हो, अगर आप पनीर खाते हो तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हो, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडा फोड़ के भी इसमें डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो आपको जो मन चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। ये मैं एकदम सादा बना रही हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल था उसी से मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये सादा भी बहुत बहुत टेस्टी लगता है। इसी के साथ जो हमारे वेजीज है वो अच्छे से सॉटे हो चुके हैं और मैं इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख दूंगी और चलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। सो फ्रेंड्स, जब तक हमारे वेजीज ठंडे हो रहे हैं और जो हमारे टमाटर है वो ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम डो लगा लेंगे। तो मैंने 1 कप भर के मैंने मैदे का आटा ले लिया है, आप देख ही सकते हो। अब जितना बनाना चाहते हो आप उतना यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी स्वादानुसार नमक और इसी के साथ हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे फ्रेंड्स। आपको सॉफ्ट डो बनाना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा डो बन के रेडी है। अब देख ही सकते हैं कि इसे मैंने कितना अच्छा सॉफ्ट गूंथ लिया है। हमें ऐसे ही इसे सॉफ्ट ये कर लेना है। इसी के साथ अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी और थोड़ा चिकना कर दूंगी और इसे रेस्ट पे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम हमारी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका जो छिलका है वो अच्छे से पील कर देंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हो हमें इसे अच्छे से पूरा पील कर देना है और हम इसे डाल देंगे हमारे मिक्सी में। ये प्रोसेस ठंडा होने के बाद ही करना है फ्रेंड्स और धीरे से ही करना है। और इसी के साथ जो हमारे मिर्ची है वो भी हम इसमें अच्छे से ऐड कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये सब इसमें ऐड हो चुका है और अब चलेंगे हमारी मिक्सी की ओर इसे ग्राइंड करने के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम मिक्सी की ओर आ चुके हैं और हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये फाइन पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और चलेंगे हमारी गैस की ओर ताकि हमारी चटनी हम पहले रेडी कर ले। तो चलिए चलते हैं गैस की ओर। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हम गैस की ओर आ चुके हैं। जिस कढ़ाई में मैंने वेजिटेबल्स को वघार किया था मैंने वही कढ़ाई ले ली है। उसमें अब मैं डाल दूंगी एकदम थोड़ा हाफ टेबल स्पून जितना हम ऑयल ले लेंगे। उसी के साथ मैं उसमें बारीक कटी हुई लहसुन डालूंगी और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने ऑयल का कितना कम इस्तेमाल किया है। तो ऑयल अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करना फ्रेंड्स। अगर आप ऑयल ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ जो मेरे लहसुन है वो अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी हमारा जो पेस्ट है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो हमारा टमाटर का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से इसमें भून चुका है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, एकदम थोड़ी करनी है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगी शक्कर। अगर आप शक्कर नहीं खाते हो तो आप सॉस भी ऐड कर सकते हो और अगर सॉस नहीं खाते हो तो आप ये दोनों प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक। मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, अब अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मसालों को भी इसमें पका लेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छा कलर आया हुआ है फ्रेंड्स। इसकी खुशबू से बहुत अच्छी फैली हुई है। बहुत ईजी है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और मसालों को हम इसमें पकने देंगे। सो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो कि हमारी चटनी में कितना अच्छा उबल आ चुका है और ये अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है। और 2 से 3 मिनट हमें इसे मसालों के साथ भूनते भी हो चुका है। इसकी खुशबू बहुत 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 अच्छी है। ठीक है, इसी के साथ मैं गैस को कर दूंगी बंद और चलेंगे हमारी मोमोज बनाने की प्रोसेस में। तो चलिए फ्रेंड्स क्या है हमारी डो की तरफ। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा डो भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अब यही मेन हमारा प्रोसेस होगा फ्रेंड्स कि इसकी जो हम रैपिंग करेंगे यही मेन है। आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, यही बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, आपके मोमोज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। खाने में तो ये स्वादिष्ट लगेंगे ही लगेंगे, पर जो आपके फैमिली मेम्बर्स है या आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपकी तारीफ करते नहीं रुकेंगे कि ये रैपिंग आपने कैसे सीखी है। आपको मोमोज को अट्रैक्टिव करके प्रेजेंट करना है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए चलते देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे छोटा सा गोला, हमें एकदम छोटा गोला ले लेना है फ्रेंड्स। उसी के साथ हम इसे डस्ट कर देंगे और हम ढक के रखेंगे ताकि ये सूखा ना पड़ जाए। अब हम इसका एक अच्छा सा रोल बना लेंगे, हमें पतला ही बनाना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि हमने ये इसे अच्छे से पतला सा रोल कर दिया है, आप देख ही सकते हो। इसी के साथ हमारी जो फिलिंग है वो हम इसमें फिल कर देंगे। आपको ऐसे बीच में फिल कर देना है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो। आपको जितना करना है उतना कर सकते हो। उसी के साथ हम ये जॉइंट को हम क्लोज करते जाएंगे, आप देख ही रहे हो। हम इसे अच्छे से क्लोज करते जाएंगे फ्रेंड्स। हमें ये जो पार्ट है ये ऐसे ट्विस्ट करके यहाँ पे हमें टक कर देना है, ये ऐसे टक करते जाना है। आप वीडियो में देख पा रहे हो,
आपको ऐसे ही करना है, ये पार्ट लेना है और यहाँ पे टक करते जाना है। उसी तरह हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट लेके यहाँ पे टक करना है, ये पार्ट लेके यहाँ पे हम टक करते जाएंगे और ये पूरा प्रोसेस हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। हमें ये सिर्फ टक करना है ताकि ये हमारी जो फीलिंग है वो खुल ना जाए। अब हम इसे रख देंगे साइड में। उसी तरह हम हमारा है दूसरा छोटा सा बॉल ले लेंगे, छोटा सा गोला ले लेंगे और हमें उसे भी अच्छे से रोल कर देना है। आप देख ही सकते हो, हम इसे भी डस्ट कर देंगे और इसे भी अच्छे से पतला रोल कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हो, हमें इसे भी अच्छा पतला रोल कर देना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने भी इसे अच्छे से पतला मैंने इसे रोल कर दिया है। आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसे पतला ही रखा है। ठीक है, अब जो हमने जो हमारा ये रखा था मोमोज की जो फीलिंग हमने रखी थी वो हम उठा लेंगे और इस पर अच्छे से प्लेस कर देंगे। आप देख ही सकते हो, तो ये परफेक्ट आ चुका है। हम थोड़ा सा इसे ऐसे ये कर देंगे। उसी के साथ हम ले लेंगे हमारा पिज़्ज़ा कटर। जी हाँ, हमने ये पिज़्ज़ा कटर ले लिया है और हम दोनों साइड से अब इसे ऐसे कट करते जाएंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हो, हम इसे ऐसे कट करते जाएंगे। धीरे धीरे करना है फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमें साथ साथ कट करते जाना है। ठीक है, इसी के साथ हम ये एक पार्ट उठाते जाएंगे, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसी के साथ ये पार्ट आप उठाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसको हम ऐसे शार्पन कर देंगे, ये हम ऐसे पीछे लगा देंगे। इसी के साथ हम ये उठा लेंगे, ऐसा थोड़ा गैप रखना है फ्रेंड्स हमें बीच में, ताकि जो हमारे हमारा जो शेप है वो दिख सके। तब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो दिखना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो है वो हम ऐसे पीछे हम इसे टक करते जाएंगे। उसी तरह हम सारा कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। उसी तरह हम जिगजैग हमें करना है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये यहाँ पे बहुत धीरे करना है फ्रेंड्स। ये उठा के यहाँ पे थोड़ा कट नहीं है तो मैं कट कर लूँगी, ये उठा के मैं यहाँ पे कर दूँगी और ये उठा के मैं यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूँगी और इसे भी मैं थोड़ा ये कर दूँगी और ये जो हमारे जो बचे हुए हैं ये मैं ऐसे पीछे टक कर लूँगी। तो आप देख ही रहे हो फ्रेंड्स कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है, कुछ तो डिफरेंट लग रहा है ना, लग रहा है ना कुछ अच्छा। एक या दो मोमोज भी खा लिया ऐसे तो कितना अच्छा लगेगा, और जो खाएंगे जो न्यू जो खा रहे वो ऐसे देखेंगे तो वो आपकी कितनी तारीफ करेंगे। लग रहा है ना अच्छा, कुछ तो डिफरेंट। वही शेप में खा के हम बोर हो चुके हैं तो हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो इसी तरह से जो है हम हमारा दूसरा जो मोमोज है वो भी रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिर से दूसरा गोला ले लिया है, हम उसे डस्ट कर देंगे और उसे अच्छे से हम बेल लेंगे। हमें एकदम पतला ही बेलना है, जैसे हमने पहले बेला था वैसे ही। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सेकेंड वाला भी हमारा रेडी है। हम इसमें फिलिंग भर देंगे, हमें इसे स्ट्रेट करके हमें आपको जितना भरना है आप उतना भर सकते हो फ्रेंड्स। फर्स्ट हम इसे टक कर देंगे और फिर हम ये ट्विस्ट एंड टर्न करते करते हम हमारा एंड तक हम आ जाएंगे। हमें बहुत ख्याल से करना है फ्रेंड्स, ट्विस्ट एंड टर्न, बस ऐसे ही हमें करके हमारा जो फीलिंग है हम उसे सिक्योर कर देंगे ताकि वो बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ट्विस्ट एंड टर्न, और जो हमारा एंड पार्ट है हम उसे अच्छे से दबा लेंगे और हम इसे एक अच्छा सा शेप दे देंगे। आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स कि कितना अच्छा लग रहा है। उसी तरह हम इसे साइड में रख देंगे और हम जो ऊपर का हम जो शेप देने वाले हैं
उसकी तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए भी हम छोटा सा गोला ले लेंगे, उसे डस्ट कर लेंगे और उसे भी हम पतला बेलेंगे। पर हमें याद रखना है कि हमने ये जो बनाया है हमें उतना ही लंबा उसे बेलना है ताकि हमें रैपिंग करने में हमें आसानी हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने सेकेंड वाला भी बेल लिया है, उसी के साथ हमारा जो ये मोमो रैपिंग है हम इस पर रख देंगे और इसे सेट कर देंगे बीच में। उसी के साथ हमारा कटर ले लेंगे और साइड बाय साइड हम इसे कट करते जाएंगे। धीरे से करना है फ्रेंड्स, बहुत धीरे से। और फिर हमें हमारा ये फर्स्ट पार्ट ले लेना है और हम यहाँ पे रख देंगे। इसी के साथ हम ये पार्ट लेके हम यहाँ पे रख देंगे और इसे टक कर देंगे। उसी तरह हम ये भी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये बहुत आसान है बनाना, बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम इसे ज़िगज़ैग लगाएं, आप देख ही रहे हो वीडियो में। अगर कोई मेहमान आने वाला हो तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ज़्यादा अच्छा लगे। वो भी आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे कि आपने कैसे किया है, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर ये जो लास्ट का पार्ट है वो हम ऐसे इसमें टक कर लेंगे और ये जो हमारा पार्ट है वो भी हम इसे पीछे कर देंगे। तो आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स कि कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना एकदम प्यारा। ये भी थोड़ा सा हम इसे टक कर देंगे, कुछ तो यूनिक, कुछ तो डिफरेंट। ठीक है, इसी तरह जो हमारे मोमोज हैं हम इसी तरह सारे कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मोमोज कितने अच्छे बन के रेडी है। आप इन्हें ब्रेड मोमोज भी कह सकते हो, जो ब्रेड होते हैं ना जो हम बाल की चोटी करते हैं वो ब्रेड वाले भी हम कह सकते हैं, या फिर जिगजैग मोमोज भी हम इसे कह सकते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसी के साथ मैं इसे थोड़ा ग्रीसिंग कर दूंगी ऑयल के साथ, थोड़ा एकदम मामूली करना है फ्रेंड्स ताकि इनका टेस्ट एनहांस हो जाए। और इसी के साथ हम चलेंगे इन्हें स्टीम करने। तो आइए चलते हैं गैस की ओर। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम गैस की ओर आ चुके हैं और मैंने छन्नी को प्लेस कर दिया है, इसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है और हम धीरे धीरे इसमें हम हमारे जो ब्रेड मोमोज है या फिर जिगजैग मोमोज है हम इसमें प्लेस कर देंगे। जितना खाने में स्वादिष्ट है वो दिखने में भी इतने अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसकी चटनी भी बहुत बहुत अच्छी है। इसी के साथ मैंने सारे मोमोज प्लेस कर दिए हैं। अब हम इसे ढक देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब टाइम है इसे खोलने का। तो हम इसे अटेम्प्ट चेक कर लेंगे, हम इसे ओपन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ओ माई गॉड ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने लाजवाब लग रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे निकाल देंगे और चलेंगे हमारी लास्ट प्रोसेस की ओर, जो कि है हमारा सर्विंग प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं हमारी लास्ट प्रोसेस की ओर। सो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो कि आपके जो वेज मोमोज है वो बनके कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ब्रेड मोमोज इन्हें कहा जाता है, आप इन्हें जिगजैग मोमोज भी कह सकते हो। ये दिखने में इतने अच्छे हैं, बनाने में भी बहुत आसान है। अगर आप रेगुलरली इसे बनाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी ये बनाने के लिए। अगर आप फ्रेंड्स या अपने फैमिली में ये सर्व करते हो तो आपकी वाहवाही होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं इसे आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि ये कितने अच्छे हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो ये अच्छे से पक चुके हैं और इसका टेक्सचर देखिए, ओ माय कितना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ जो ये चटनी है, ओ इसकी जो ये चटनी भी बहुत 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 टेस्टी है। तो आप भी बनाइए फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स की वाहवाही बटोरिए। कुछ न्यू तरीके से बनाइए और उनको खिलाइए ताकि वो भी आपकी वाहवाही करें।
ठीक है, रोज के मोमोज खाने से तो हर कोई वही मोमोज खाता है, तो आप भी कुछ नया ट्राई कीजिए। तो होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और ऐसी अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करोगे और आगे बढ़ने का मौका दोगे। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी और यूनिक रेसिपीज के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।